श्रीवास्तव मुरैना से सबसे पहले बड़ी जानकारी, बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। दो महिलाओं में पैसे के लेन देन को लेकर बात चल रही थी। बात धीरे धीरे विवाद में तब्दील हुई और उसके बाद मारपीट होने लगी। एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करती हुई महिलाएं नजर भी आई वीडियो में। झगड़े के बाद सीधे दोनों महिलाएं थाने पहुंची। घटना का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर यह भी स्पष्ट होता हुआ। मुरैना की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुरैना की एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही है। बताया गया कि दोनों महिलाओं के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन कब ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। घटना का ये वीडियो, आसपास लोगों की मौजूदगी, प्रयास ये भी किया जा रहा था कि दोनों को समझाइश दी जा सके, लेकिन निरंतर ये झगड़ा जारी रहा। मारपीट तक बात पहुंची और उसके बाद जमकर दोनों के बीच लात घूंसे चले, मारपीट होती रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुरैना का पूरा मामला स्पष्ट होता हुआ कि पैसों का झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मारपीट तक पूरा विवाद पहुंच गया। ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। आसपास आपको लोग भी नजर आएंगे, कोशिश करते हुए कि समझाया जा सके दोनों को। सही कि अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरियल चौराहे का है, जहां पर दो महिलाएं महज 500 रुपए के लेन देन को लेकर के झगड़ गईं और इतनी भयंकर झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ करके बीच सड़क पर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसको देख करके आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने काफी बचाने का समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों महिलाएं इतनी आक्रोशित हो गई एक दूसरे पर कि वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। फिर उसके बाद ट्रैफिक सूबेदार रोहित यादव मौके पर पहुंचते हैं और दोनों महिलाओं को थाने लेकर के आते हैं। थाने में दोनों की सुलह हो गई है, लेकिन महज 500 रुपए के लेन देन को लेकर के इस तरीके से बीच सड़क पर महिलाएं उलझी थी और दोनों के साथ एक दूसरे ने मारपीट की। तो एक तरीके से इसका वीडियो भी, जो स्थानीय लोग थे वहां पर, जो दर्शक बने हुए थे, उन्होंने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि इस तरीके से ये महिलाएं मारपीट कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। और अब खबर शाजापुर से है, जहां ध्वज हटाने पर हंगामा हो गया। असामाजिक तत्वों ने हटाए हैं भगवा ध्वज यहां पर और उसी के चलते ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। पचोर रोड पर चक्का जाम की स्थिति तक बन गई। मौके पर पुलिस बल को पहुंचना पड़ा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहां भगवा ध्वज लगाए गए थे। भगवामय माहौल पूरे ही देश में, यहां भी इसी प्रकार का प्रयास था कि इस उत्साह को मनाया जा सके, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहां पर पहुंचते हैं, भगवा ध्वजों को हटा देते हैं, उसके बाद ग्रामीणों में भरपूर गुस्सा, चक्का जाम की स्थिति, कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस को यहां पर पहुंचना पड़ा, बड़े अधिकारी पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हो पाया। अभी भी इस इलाके में पुलिस की तैनाती है। बताया गया है कि मामला ज्यादा ना बिगड़े, ज्यादा संवेदनशील ना हो, इसका प्रयास अधिकारी करेंगे। सहयोगी सुनील हंचौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, किस बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, अभी क्या हालात है फिलहाल? अवंत के, देखिए पूरा मामला जो है वो सुजालपुर क्षेत्र का है, मगरोला गांव है, जो कि पचोर रोड पर पड़ता है। चूंकि इस समय जो चाहे गांव चाहे शहर, वहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार तरह तरह की सजावट की जा रही है और सबसे ज्यादा जो है भगवा ध्वज जगह जगह लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जो ध्वज लगाए थे तो रात के समय किसी अज्ञात आरोपियों ने उन ध्वज को नुकसान पहुंचाया और उन्हें वहां से हटा दिया, और इसी बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हुए और उन आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में मौके पर है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझाइश दे रही है, साथ ही पुलिस ने यह आश्वस्त किया है कि जिन भी अज्ञात तत्वों, असामाजिक तत्वों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, जहां बड़े कारोबारियों के यहां आईटी का छापा पड़ा है। घनश्याम